भारत को अगर मंदिरों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये ऐसा देश है जहाँ पर लोग श्रद्धा और आस्था के लिए इन मंदिरों को दिल खोलकर दान देते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। आज भी देश में ना जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर कोई नहीं जानता कि कितना सोना, पैसा और बाकी चीज दान में आती है। लेकिन बात अगर हम देश के बड़े बड़े मंदिरों की करें तो वहां पर गिनती होती है। अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल के रत्न भंडार को खोले जाने का प्रोसेस शुरू हो गया। चार दशक के बाद एक बार फिर से पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का पवित्र रत्न भंडार खुलने जा रहा है। जी हाँ, इसके बाद रत्न भंडार में मौजूद खदानों की गिनती भी की जाएगी। तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बताया जाए जगन्नाथपुरी के इस रत्न भंडार का इतिहास, कि आखिर है क्या इस रत्न भंडार के अंदर, इसे खोले जाने का प्रोसेस क्या है। इसके साथ ही वो कहानी भी आपको सुनाऊंगा जब इस रत्न भंडार को लूटने की कोशिश हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2018 की बात है। 16 लोग एक खुफिया अंधेरे रास्ते से जा रहे थे। उनकी मंजिल थी एक खुफिया तहखाने का दरवाजा, जिसे 34 साल बाद खोले जाने वाला था। दरवाजे के अंदर क्या था? एक प्राचीन खजाना। इसलिए वो लोग अपने साथ सांप पकड़ने वाले को भी लेकर आए थे, क्योंकि हमने पिक्चर्स में देखा है कि ऐसी खतरनाक दिखने वाली जगहों पर सांप और चमगादड़ खूब होते हैं। लेकिन अब जैसे दरवाजे के पास वो पहुंचे, एंटी क्लाइमेक्स ही हो गया। पता चला कि खजाने की चाबी ही गायब है। अब चाबी कहां गई, बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। देखिए, सैकड़ों साल पुराना एक मंदिर, एक खुफिया कमरा, सोने चांदी के आभूषणों और सिक्कों का आकूत भंडार और इसके एक खोई हुई चाबी। ये कहानी है भारत में बसने वाले उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की। 2024 लोकसभा और उड़ीसा विधानसभा चुनावों के दौरान इस रत्न भंडार को लेकर खूब राजनीति हुई थी। भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को, प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। लेकिन ये पहली बार नहीं था। लेकिन इस बार जो बात अलग थी वो ये थी कि बीजेपी चुनाव जीत गई और अब वहां उड़ीसा में उसकी सरकार आई। सरकार है तो वादा निभाना शुरू भी हो गया, इसलिए इसे खोले जाने का प्रोसेस शुरू हो गया, जिसके तहत रत्न भंडार में मौजूद खजाने की गिनती भी की जाएगी। जगन्नाथपुरी टेम्पल का रत्न भंडार कैसा है? देखिए, रत्न भंडार को खोलने से पहले इसे समझना जरूरी है। श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार मंदिर के नॉर्थ की तरफ बना है, जिसकी लंबाई 8.79 मीटर है, चौड़ाई 6.74 मीटर और ऊंचाई 11.78 मीटर है। अब अपने अंदाजे में इसके साइज के हिसाब से आप तय करो कि इसके अंदर कितना सोना चांदी हो सकता है और मुझे कमेंट में बताओ। बाकी वीडियो के आखिर तक पता चल ही जाएगा कि आपका अंदाजा कितना सही और गलत था। खैर, मैं वापस मंदिर पर जाता हूँ। देखिए, श्री जगन्नाथ मंदिर के इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के वस्त्र और आभूषण रखे हुए हैं। साथ ही सालों से मंदिर में चढ़ाए जाने वाले रत्न और जवाहरात, सोना चांदी जैसी तमाम चीजें भी इसी भंडार में रखे जाते हैं। अब इस रत्न भंडार की बात करूं तो इसमें दो चैम्बर हैं, एक बाहरी चैम्बर और दूसरा भीतरी चैम्बर, यानी अंदर वाला चैम्बर। अब वैसे तो इन दोनों ही चैम्बर्स में आभूषण और रत्न रखे हुए, लेकिन दोनों के खोले जाने के नियम अलग अलग है और दोनों में रखे हुए सामान में भी काफी फर्क है। दरअसल 1960 में बनाए गए रूल्स के मुताबिक रत्न भंडार की चीजों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। कैटेगरी 1 में वो रत्न आभूषण होते हैं जो भीतरी भंडार यानी अंदर वाले तहखाने में रखे गए हैं। चूंकि ये पुराने वस्त्र और आभूषण हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं होता। कैटेगरी 2 में वो रत्न आते हैं जो खास मौकों पर इस्तेमाल होते हैं, मसलन वो सोने के वस्त्र जिन्हें रथ यात्रा जैसे खास मौकों पर ही बाहर निकाला जाता है। इसके बाद आती है कैटेगरी 3। इसमें वो रत्न आभूषण है जो रोज भगवान को पहनाए जाते हैं, माने रोजाना इस्तेमाल होने वाले वस्त्र। कैटेगरी 2 और 3 के रत्न बाहरी भंडार में रखे जाते हैं और कैटेगरी 1 के वस्त्र और आभूषण अंदर वाले भीतरी भंडार में रखे जाते हैं। इस भीतरी भंडार में डबल लॉक के साथ मंदिर प्रबंधन कमेटी की सील लगी रहती है और चाबी मंदिर में नहीं बल्कि राज्य सरकार के पास जमा रहती है, जबकि बाहरी भंडार की चाबियां मंदिर प्रबंधन के पास ही रहती है। अब जैसा इस सिस्टम में जाहिर है कि बाहरी भंडार को एक तो रोज रोज खोला जाता है, लेकिन भीतरी भंडार को साल 1985 से 2024 तक खोला ही नहीं गया। माने 29 सालों में मंदिर में क्या क्या आया और ये भंडार कहाँ पहुंचा, किसी को कोई आइडिया नहीं है। और ये भी एक वजह है कि लोग जानना चाहते हैं कि भाई इतने वक्त में मंदिर के अंदर के सोने में कितना इजाफा हुआ है, रत्न भंडार के अंदर क्या है। अब इतना तो जाहिर है कि भीतरी भंडार में आभूषण रत्न आदि रखे हुए, लेकिन सवाल ये है कि ये सब आए कहाँ से।
भीतरी भंडार में है क्या, ये जानने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा सा काफी ज्यादा पीछे। कहानी शुरू होती है साहब 12वीं सदी से। एक जगह हुआ करती थी कलिंग, वहां पर तब गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चौड़ गंगा का राज हुआ करता था। इसे ही आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। यहां जो जगन्नाथ मंदिर का रूप आज आप देखते हैं वो इन्होंने ही बनवाया था। इसके साथ ही मंदिर को सोने के हाथी, घोड़े, फर्नीचर, बर्तन और बेशकीमती रत्न भी दान दिए गए थे, जिसके चलते ये मंदिर 12वीं सदी से ही सोने चांदी से भरा रहा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आगे कई राजाओं ने मंदिर को दिल और तिजोरियां खोलकर ढेर सारा अनुदान दिया। जगन्नाथ मंदिर के ऐतिहासिक दस्तावेज मदला पंजी के मुताबिक राजा अनंग भीम देव ने श्री जगन्नाथ को लगभग 14.5 लाख ग्राम सोना दान में दिया था, जिनसे भगवान की मूर्तियों के आभूषण बनाए गए। इनके बेटे और गंगा वंश के अगले राजा का नाम था नरसिंह देव, जिन्हें मेडिवेल पीरियड के सबसे ताकतवर राजाओं से एक माना जाता है। बख्तियार खिलजी का नाम आपने सुना ही होगा, वही बख्तियार खिलजी जिसने बिहार में कई यूनिवर्सिटीज को खत्म कर दिया था। बख्तियार खिलजी के बाद तुर्क और अफगान हमलावर लगातार बंगाल पर हमला करते रहे। ऐसे में नरसिंह देव ने ही बंगाल पर आक्रमण कर इनका सफाया कर दिया था। इनके वक्त में कई मंदिरों का निर्माण भी हुआ, मसलन कोणार्क का फेमस सन टेंपल इन्होंने ही बनवाया था। इतना ही नहीं, नरसिंह देव ने ऐलान कराया था कि भगवान जगन्नाथ इनके साम्राज्य के असली राजा हैं और वो खुद उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। आगे पढ़े तो गंगा वंश के बाद कलिंग पर सूर्यवंशी राजाओं का राज शुरू हुआ। इन्हें गजपति के नाम से भी जाना जाता है। गजपति साम्राज्य की स्थापना राजा कपिलेंद्र देव ने की थी। ये साम्राज्य बंगाल से लेकर दक्षिण में कावेरी तक फैला हुआ था। राजा कपिलेंद्र के बारे में एक शिलालेख में जिक्र मिलता है कि दक्षिण के अभियान के बाद जब वो वापस लौटे तो वो अपने साथ 16 हाथियों में लादकर सोना लाए थे और ये सारा सोना उन्होंने श्री जगन्नाथ को दान कर दिया था। 14वीं और 18वीं सदी के बीच इस रत्न भंडार में इतना सोना जमा हो गया था कि इसे लूटने की कोशिश हुई। ये कोशिश भी एक या दो बार नहीं बल्कि 18 बार हुई। जगन्नाथ मंदिर को लूटने की कोशिश किसने की? देखिए, जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को लूटने की कोशिशों में सबसे बड़ा नाम जो आता है वो है काला पहाड़ का। अब सवाल आता है कि ये कौन थे? साल 1568 की बात है, बंगाल पर तब करानी वंश का राज था। इनकी शुरुआत शेर शाह सूरी के एक मुलाजिम ने की थी। करानी वंश के राजा सुल्तान सुलेमान ने उड़ीसा पर आक्रमण किया। ये जिम्मेदारी दी उन्होंने अपने बेटे बायजीत को और उनके साथ भेजा एक मिलिट्री जनरल जिसे आगे चलकर काला पहाड़ के नाम से जाना गया। काला पहाड़ ने उड़ीसा के राजा मुकुंद देव को हरा दिया और उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। इसी वक्त काला पहाड़ ने श्री जगन्नाथ के रत्न भंडार में भी लूटपाट मचाई थी। इसके अलावा औरंगजेब के दौर में भी एक फरमान का जिक्र मिलता है जिसमें औरंगजेब ने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए थे। ये फरमान पूरा तो नहीं हुआ लेकिन औरंगजेब की मौत तक मंदिर को बंद करना ही पड़ा था। इसके अलावा भी मंदिर पर अटैक की कई कोशिशें हुई, कई बार मूर्तियों को दूसरी जगहों पर छिपाना पड़ा और रत्न भंडार को भी नुकसान हुआ। बहरहाल सल्तनत बदली, जमाना बदला लेकिन मंदिर और उसका रत्न भंडार आज भी वही है। अब आते हैं मेन सवाल पर कि आखिर रत्न भंडार में कितना खजाना है। देखिए, अब जब गिनती पूरी हो जाएगी तो एग्जैक्ट पता चल ही जाएगा, पर अगर हम सबसे पहली बार की बात करें तो अंग्रेजों के वक्त में पहली बार रत्न भंडार का एक डिटेल्ड सर्वे हुआ था। साल 1850 में पुरी के कलेक्टर ने रत्न भंडार का लेखा जोखा तैयार करवाया था, जिसके मुताबिक तब इसमें सोने और चांदी के 64 आभूषण, 124 सोने के सिक्के, 1297 चांदी के सिक्के, 106 तांबे के सिक्के, 24 सोने के मोहरे और 1333 वस्त्र थे। जिसके बाद 1952 में एक और बार इन्वेंट्री तैयार की गई। तब रत्न भंडार में 146 चांदी के आइटम्स और 180 प्रकार के सोने के आभूषण थे, जिनमें से कई तो 100 तालों से भी ज्यादा भारी थे। रत्न भंडार की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए साल 1954 में सरकार ने श्री जगन्नाथ टेंपल एक्ट पास किया, जिसमें कुछ नियम बनाए गए। ये वही नियम है जो हमने आपको पहले बताए थे। इन नियमों के तहत ही टाइम टू टाइम भंडार को खोले जाने और आभूषणों के रख रखाव की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन ये काम सही से नहीं हुआ। इसलिए साल 1978 में उड़ीसा सरकार ने गवर्नर बीडी शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जो मंदिर को सही मैनेजमेंट के लिए सुझाव दे सके। इस कमेटी ने आखिरी बार रत्न भंडार के रत्नों की इन्वेंट्री बनाई थी। इस आखिरी इन्वेंट्री से पता चलता है कि भीतरी रत्न भंडार में 43.64 किलो के 367 सोने के जेवर और 148.78 किलो के 231 चांदी के जेवर थे। भीतरी रत्न भंडार को आगे दो बार और खोला गया था, साल 1982 और 1985 में। हालांकि तब इन्वेंट्री नहीं की गई थी, माने लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया था और इसके बाद भीतरी भंडार को कभी खोला ही नहीं गया। अब आते हैं
चाबी गायब वाले किस्से पर। अब 1984 के बाद भीतरी रत्न भंडार खोला ही नहीं गया था, इसलिए साल 2018 में उड़ीसा हाई कोर्ट ने भंडार को खुलवाने का आदेश दिया ताकि कमरे की मरम्मत जैसी जरूरी चीजें की जा सके। उधर एएसआई को कमरे का सर्वे भी करना था, ये देखने के लिए कि भीतरी भंडार के आभूषणों को रखरखाव या मरम्मत की जरूरत तो नहीं। ऐसे में इसे खोलने का प्लान किया गया और एएसआई कमरे को खोलने भी जा रही थी कि तभी पता चला कि भाई चाबी तो गायब है। अब नियम के हिसाब से चाबी गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास होनी चाहिए थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कहा गया कि चाबी गायब है। हो हल्ला मचा ही था कि अचानक एक दिन कहा गया कि जिले के रिकॉर्ड रूम में डुप्लीकेट चाबी सील बंद लिफाफे में मिल गई है। अब यहाँ पर दिक्कत और बढ़ गई, नियमों के हिसाब से डुप्लीकेट चाबी होनी ही नहीं चाहिए थी, तो फिर ये कहाँ से आई। यहाँ से मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया। काफी हंगामे के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जांच के आदेश दिए। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटियां भी बनाई गई, वो भी एक नहीं दो बार। एक कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी लेकिन उसे पब्लिक नहीं किया गया, दूसरी कमेटी की जांच पूरी होती इससे पहले ही 2024 उड़ीसा विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आ गया और नवीन पटनायक सरकार की रुखसती हो गई। नई सरकार में भीतरी भंडार को खोले जाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, जिसके तहत और नए सिरे से रत्नों की गिनती होगी और एक नई इन्वेंट्री बनाई जाएगी। इसके बाद ही पता चल सकेगा कि अभी रत्न भंडार के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। वैसे इस पूरी वीडियो में जो चीज मुझे समझ में नहीं आई वो है डुप्लीकेट चाबी। आपको क्या लगता है कि ये चाबी की कहानी क्या हो सकती है, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।